बिहार के वैशाली में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस ने मजदूरों को पैसे देने की बजाय शराब की बोतलें ही दे डाली। वायरल वीडियो वैशाली जिले के महुआ थाने का बताया जा रहा है। इस वीडियो में थाने में जब शराब की बोतलों को नष्ट करने के लिए बुलाया गया था, तो वहीं इसी दौरान मजदूर शराब की बोतल लेकर जाते दिख रहे हैं। सवाल कहीं ना कहीं करने पर उसने बताया है कि काम के बदले उसे शराब की बोतलें दी गई है। यह तस्वीर और आरोप जो है वाकई बेहद संगीन है। दरअसल जिस पुलिस पर बिहार में शराबबंदी को लागू कराने की अहम जिम्मेदारी दी गई है, उन पर आरोप लग रहा है कि वह थाने में मजदूरी के बदले मजदूरों को शराब की बोतल दे रहे हैं। यहाँ कहें कि शराब ले जाने की जो है खुली छूट दे रहे हैं। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। देखिए यह तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं वैशाली की है, वैशाली थाने की है, जहां पर महुआ थाने में मजदूर जब मजदूरी करता है उसको पैसे के जगह बदले जो है शराब की बोतलें दी जाती है। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप सा मच गया है। वैशाली एसपी मनीष ने वायरल वीडियो की जांच का आदेश दिया है। तो वहीं स्थानीय महुआ एसडीपीओ पूनम केसरी ने बताया है कि वायरल वीडियो जिस महुआ थाने का बताया जा रहा है उसके थानेदार से जवाब तलब किया गया है। बता दें आपको कि बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है और जिन पुलिसकर्मियों को यह कहा जाता है कि शराब पकड़िए, वो पुलिसकर्मी अगर ऐसा करेंगे तो नीतीश कुमार का शराबबंदी कानून कैसे सफल होगा, ये लगातार सवाल उठ रहा है। देखिए यह तस्वीर महुआ की है, महुआ थाने की बताई जा रही है, जहां पर मजदूरी करने के बाद मजदूरों ने पैसा मांगा तो उनको शराब दे दिया गया। सबसे बड़ा यह सवाल है कि 2016 से बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और जिस तरीके से शराब बिहार में पकड़ा रहा है उसको नष्ट करने के बजाय मजदूरों को बांट दिया जा रहा है। बहुत बड़ा सवाल है और देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ होता है। लेकिन बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है, लगातार शराब का लोग सेवन कर रहे हैं और शराबियों का जो तादाद है वो लगातार बढ़ते दिख रहा है, लगातार जो नशे के शिकार जो है वो लोग हो रहे हैं। तो वहीं अनेक राज्यों से बिहार में शराब सप्लाई कराया जा रहा है, भारी मात्रा में शराब मिल रहा है और कहीं ना कहीं लगातार तस्वीरें सामने निकल के आती है। तो फिलहाल आपको हमने वैशाली के महुआ से खबर आ रही थी, वहां का आपको हमने खबर बताया। तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ सच है क्या कुछ झूठ है। जो बातें हैं वो सामने निकल के आई है, महुआ में जो है मजदूरी करने के बाद मजदूरों को शराब का बोतल धरा दिया गया है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। फिलहाल देखने वाली बात यह हो कि महुआ से जो वीडियो सामने निकल के आया है उस पर नीतीश सरकार या फिर पुलिस प्रशासन क्या कुछ करते हैं। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो कर ले, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया कॉमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां पर भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।